चर्चा थी क्या भाई ऐसा संकट जैसा कुछ पावरफुल कैंडिडेट नहीं था, जिसमें माशाल्लाह आपको जो है अल्लाह ने इतना अच्छा मौका दिया है और टिकट से नवाजा है, तो आप इसके बारे में क्या बोलेंगे? देखो, नवाजिश तो वाकई में अल्लाह ही की हो सकता है और हमारा ईमान और यकीन इस बात पे है, इज्जत और जिल्लत का मालिक अल्लाह है और ये कामयाबी और नाकामयाबी का मालिक भी अल्लाह है। हमारे लोगों की काम करने में अगर नियत होगी, गुमान होगा, तो अल्लाह की मदद पूरी तरह से आएगी और हम काम करने की अगर जज्बा रखकर अगर हम काम करेंगे, तो मैंने ज़िंदगी में जो समझा हूँ और देखा हूँ, तो 100% अल्लाह की मदद हर शामिल हाल होगी। ओके, आपको उम्मीदवारी के लिए इतना देर क्यों लगी डिक्लेयर होने? भाई ये तो देखो, पॉलिटिक्स के अंदर में पार्टियों की एक प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया में अकेले हमारी पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ रही है, कांग्रेस हमारे साथ में है, बहुजन अघाड़ी हमारे साथ में है, काश्कार संगठना की राजू शेट्टी की पार्टी हमारे साथ है, जोगेंद्र कवाड़ी साहब जो मागा स्वर्गीय समाज के नेता है उनकी पार्टी हमारे साथ में है, सब लोगों के मसलों को हला के समझा के बात को मनवा के और सहमति जता के ये इलेक्शन लड़ा जा रहा है। ये इलेक्शन फिरका परस्तों के खिलाफ है और फिरका परस्तों को उखाड़ने के लिए हम सब लोगों को एक जगह आने की ज़रूरत है। समाजवादी पार्टी भी अबू आसिफ भाई की हमारे साथ है, हम मिलकर सब मिलकर लड़ रहे हैं इन फिरका परस्तों को भगाने के लिए। एक फिरका परस्त भगवे कलर में है, एक दूसरा फिरका परस्त हरे कलर में है, ये दोनों फिरका परस्तों को हम जब तक के बाजू में रखने का काम नहीं करेंगे तो ये हमको लूटते रहेंगे, हमको जज्बात में बहकाते रहेंगे, हमारे माहौल को ख़राब करके रखेंगे। इसके लिए हमें इनसे होशियार रहने की ज़रूरत है और अपने हक का इस्तेमाल सोच समझ करने की ज़रूरत है। आया है लोगों को तवाज़ुन करने की आदत है, पिछले 5 साल में जो बातें बनाने का काम किया गया लोग उससे उबक गए हैं। आने वाले लोग ये चाहते हैं कि कोई ऐसा नमूना पेश किया जाए जो लोगों की दिलों की आवाज़ है और इंशाल्लाह हम लोगों के दिलों की आवाज़ बनना चाहेंगे, लोगों के उस मसाइल पे काम करना चाहेंगे कि जिस काम से लोगों का भला होता है, फ़ायदा होता है और इस शहर में अमन सुकून, हमारे बच्चे नौजवान कारोबार से कैसे लगेंगे, हमारा माहौल अच्छा कैसा होगा, हिंदू मुसलमानों की एकता और अखंडता कैसे रहेगी, हम आपस के अंदर मेल झोल कैसा रखेंगे, यहाँ का हिंदू, यहाँ का मुसलमान, यहाँ का मागस वर्ग, हम मुत्तहिद होकर यहाँ पर ख़त्म करके एक अच्छा माहौल देने का काम हम यहाँ पर करेंगे। 2 बजे हम यहाँ बुटी लेन से निकलेंगे और गांधी पुतले पर जाकर ये रैली ख़त्म होगी। हम कल जो है सुबह में 2 बजे जुमे की नमाज के बाद यहाँ से निकलेंगे और गांधी पुतले पे ख़त्म करके इंशाल्लाह फॉर्म भरने के लिए जाएंगे। और आजा भाई।
कश्मीर वाले जो मुखिया बोला अब तुम्हारे सत्ता में कौन आया कौन आया शेर आया फजीर भाई कौन आया कौन आया शेर आया कश्मीर हम तुम्हारे साथ हैं।